हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोबाइल रिपेयर एकेडमी। फ्रेंड्स, मेरा नाम पुनीत है और मैं आईफोन रिपेयरिंग के नए नए टॉपिक्स पे आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक आईफोन 7 आया है। तो जैसे ही हमने उस सेट को फ्लैश किया, उसमें -6 का एरर आ गया, वो भी 91% पे। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए ये अच्छा टॉपिक है और आप लोगों के लिए एक वीडियो बन जाएगी। तो ये देखिए, हमारे पास जब हमने सेट को फ्लैश किया, यहाँ एरर आ गया है 91% पे, -6 का एरर। तो फ्रेंड्स, आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको ये सेट रिपेयर करके दिखाते हैं। तो हमने चेक किया, तो एट द एंड जब रिजल्ट निकला, तो ऑलमोस्ट ये जब भी फॉल्ट आया है, ये हार्ड डिस्क में ही आता है। तो आइए अभी हम इसकी हार्ड डिस्क करके देखते हैं। ये देखिए, पहले भी किसी ने इसकी हार्ड डिस्क कर रखी है, फ्लक्स घूम रही है यहाँ पे। ये देखिए, ये पहले हार्ड डिस्क इसकी कर रखी है किसी ने, और जो हार्ड डिस्क की हुई है, इसका एक ट्रैक भी मिस है, ये वाला ट्रैक। तो कोई बात नहीं, हमारा पहला स्टेप तो हम हार्ड डिस्क को रिप्लेस करके ही देखेंगे। हार्ड डिस्क की प्रोग्रामिंग हम बाद में करेंगे, तो पहले हम कोई भी हार्ड डिस्क लगा के सेट को ऑन करेंगे, मतलब फ्लैशिंग को 100% डन करेंगे। तो प्रोग्रामिंग की तो बात ही बाद में हो जाती है। तो पहले हम अपने मदरबोर्ड की सरफेस को क्लीन कर रहे हैं विद सोल्डर विक एंड आयरन। पेस्ट तो हमें डालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी बहुत ज्यादा पेस्ट थी इसमें। तो हमारी सरफेस क्लीन हो चुकी है, इस पेस्ट को भी अच्छे से क्लीन कर लेंगे। और हम अभी नई हार्ड डिस्क लेते हैं और उसको रिवॉल्व करते हैं। ये देखिए, अभी हमारी हार्ड डिस्क रिबॉल हो चुकी है, बट एक बार फिर भी हम इसके ऊपर फ्लक्स डाल के दोबारा हीट मारेंगे, ताकि जो बॉल्स जो हमारी प्रॉपरली सेटल्ड नहीं है, एक बार हीट देने से ये प्रॉपरली सेटल्ड हो जाएंगे। हार्ड डिस्क लगाने से पहले हम अपने मदरबोर्ड पे थोड़ी सी फ्लक्स लगाएंगे। आप कभी भी बहुत ज़्यादा फ्लक्स मत यूज़ करो। तो अभी हमने हार्ड डिस्क रख दी है और इसको 360 टेम्परेचर पे, 60 की एयर पे हम लगाएंगे। और कभी भी आप हार्ड डिस्क लगाओ ना, और अगर तो आप 2008 यूज़ कर रहे हो तो इतनी मूवमेंट पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप 861 यूज़ कर रहे हो, तो अपने हैंड को अच्छे से मूव करो। और अगर आपको दोनों SMDs के बारे में नहीं पता कि क्या क्या वर्क करती हैं और क्यों इसको आपको मूवमेंट देना पड़ता है, और 2008 में बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं देना पड़ता, तो इस टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है। तो आप मेरे चैनल पे जाके इस वीडियो को सर्च कर सकते हो। वीडियो का नेम है 861 वर्सेस
2008। ये देखिए अभी हमारी हार्ड डिस्क लग चुकी है। तो अभी हम अपने सेट को फ्लैश करते हैं। ये मैंने अभी केबल को कनेक्ट कर दिया है। हम अभी गो फ्लैश पे जाके पहले फाइल सिलेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए हमारे स्क्रीन पे हमारा सेट बिल्कुल प्रॉपरली फ्लैश हो चुका है और बिल्कुल ऑन हो चुका है। तो होप फ्रेंड्स आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल।